आर्कमिडीज प्रिंसिपल में ये डिस्कस किया था, पहला रूल कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है जिसका वेट हवा में ज्यादा है, हवा में एक्चुअल वेट ही होता है W1, और लिक्विड के अंदर उसको डाल दिया जाए तो वेट कितना है W2 है, वॉल्यूम इसका वी है, और पानी के अंदर भी वॉल्यूम बॉडी का वी है, लिक्विड डिस्प्लेस भी इसका वी होने वाला है, तो देयर विल बी लॉस इन वेट। तो ये वेट इसका कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा W1 माइनस W2 हो जाएगा। जो भी लॉस इन वेट होगा वही क्या होगा इसमें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, और वही क्या होगा इसका अपथ्रस्ट होगा। तो मैंने बताया था अपथ्रस्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वन एंड द सेम थिंग। तो पहला रूल क्लियर है कि जैसे अगर मान लो बॉडी का वेट है 10 न्यूटन और लिक्विड के अंदर उसका वेट है 8 न्यूटन, तो लॉस इन वेट कितना है 2 न्यूटन, तो अपथ्रस्ट कितना है 2 न्यूटन, लिक्विड डिस्प्लेस का वेट भी कितना है 2 न्यूटन। पहली डेफिनेशन थी। इसमें तैरने का कोई चक्कर नहीं है, लोहे का पीस ले लो तब भी इसके ऊपर ही एप्लीकेबल है, तो जरूरी नहीं है कि तैरेगी तैरेगी। एक था फ्लोटेशन प्रिंसिपल। फ्लोटेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है जो तैर रही है, जिसका कुछ पोर्शन हवा में और कुछ पानी में, तो वेट ऑफ, तो पहला रूल कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, तो आंसर होगा वी माइनस वी डैश। कितना पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ है वी माइनस वी डैश, तो पानी का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा वी माइनस वी डैश। मैंने वेट नहीं कहा, यहां कंफ्यूजन है, मैंने ये नहीं कहा वेट कितना डिस्प्लेस होगा, मैंने कहा वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा। तो रिपीट करता हूं, अगर ये पूरी बॉडी का सिर्फ इतना पोर्शन पानी में डूब गया वी माइनस वी डैश इसका वॉल्यूम है, तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा वी माइनस वी डैश। बॉडी का जितना हिस्सा पानी में चला गया पानी का वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस हो जाएगा। पूरी बॉडी अगर पानी में चली गई तो बॉडी का वॉल्यूम भी पानी का वॉल्यूम भी डिस्प्लेस होगा, लेकिन कुछ पार्शियल गई तो वॉल्यूम वी माइनस वी डैश लिक्विड का उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो आर्कमिडीज कहते हैं कि अगर ये तैर रही है बॉडी तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट एक ही बात है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। वो रीजन इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी का वेट अगर 10 न्यूटन है तो कोई तो ऐसी फोर्स हो ना 10 न्यूटन जो बॉडी को डूबने से रोके, और वो क्या होगा अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट होगा वो इस बॉडी को डूबने से रोकेगा। ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर वेट ऑफ लिक्विड में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और होल वेट ऑफ द बॉडी में क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। तो ये इक्वेशन इसमें वैलिड है। यहां तक क्लियर है, ये हमने लास्ट टाइम किया था आर्कमिडीज प्रिंसिपल को कैसे यूज करना है। ठीक है, मैं लगा के दिखाता हूं।